हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक में डालें, लोगों की पोस्टों पर जाकर शेयर करें, कमेंट करें। हम डेरिवेटिव के आज थर्ड वीडियो के ऊपर आ गए हैं। ये थर्ड पार्ट के ऊपर मैं क्या समझाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन जो कि नस्ट के पेपर के अंदर आ रहे होते हैं, एनईटी के पेपर के अंदर आ रहे होते हैं, फास्ट पेपर के अंदर आ रही होती है। अच्छा, मैं दो बातें करना चाहूँगा, मुझ पे एहसान करना चाहते हो, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तुम्हें, अच्छी लगती हैं, तो मुझ पे एक एहसान कर दो। क्या एहसान करो? अपने दोस्तों को मेंशन करो, अपने घर वालों को मेंशन करो, अपने जूनियर्स को मेंशन करो, अपने बैचमेट्स को मेंशन करो। ये सब नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, जूनियर नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। लिंक कॉपी करो, फेसबुक की पोस्टों पर आके लगाओ, जितने भी एजुकेशनल पोस्ट हैं वहाँ पर आके लगाओ, मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली सपोर्ट करो। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कमेंट के अंदर बताओ कैसा एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ समझ में आती है और क्या चीज़ समझ में नहीं आती। अगर मैं अपने टॉपिक को क्लियर कर पाती हूँ तो काइंडली सपोर्ट करो, चैनल नया मेरा। अच्छा, मैं दो बातें करना चाहूँगा, मेरी वीडियो क्या है, थर्ड वीडियो, इट इज़ ऑन डेरिवेटिव्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर। मैं बहुत डिटेल में जाके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ले भी रहा है वीडियो, तो मैं आपसे सिर्फ एक इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आप पहले फर्स्ट वीडियो जाके लाजमी देख लें, उसके अंदर फॉर्मुलाज मैंने डिटेल में बताए हुए हैं कि कौन से फॉर्मुले को कब याद करना है, कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक्स बताई हुई है, तो वो ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होंगी आपके लिए। अगर आप वो ट्रिक्स याद नहीं करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं हम कर सकते, क्योंकि मैं बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा या इसके फॉर्मुलाज नहीं पढ़ाऊंगा। हम एक बार फॉर्मुले की अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो वो पार्ट ए के नाम से आपको मिल जाएगी, तो काइंडली पहले उसको वॉच करें, देन पार्ट बी, फिर पार्ट सी के ऊपर आए, ताकि पहले नर्सरी पढ़ता है बच्चा, फिर क्लास वन में आता है, फिर टू में आता है, फिर थ्री में आता है, और फिर मैट्रिक में आता है, और फिर इंटर और देन यूनिवर्सिटी लेवल। हम डायरेक्टली बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकते, उसकी बेसिस बनानी होती है, तो मैंने बेसिस आहिस्ता आहिस्ता बना रहा हूँ। और अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, इंटर का बच्चा कोई कॉन्सेप्ट लेने के लिए आए, तब भी उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा मेरी वीडियो से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम, तुम्हें रट्टे मत लगाना फॉर्मुलाज के, मैंने फॉर्मुलाज तरीके से करवाए हैं, मैंने हर टॉपिक को इतने डिटेल से पढ़ाया, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट ही नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अंदर फंस गया था, तो मैंने तभी इतने डिटेल में बनाया कि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी आसानी करूँ तो मेरे लिए भी एक आसानी करना, मेरे लिंक को कॉपी करके फेसबुक पर शेयर करना, दोस्तों को मेंशन करो, बताओ कैसा लगा एक्सपीरियंस, कमेंट के अंदर मुझे बताओ क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ बेहतर नहीं कर सकता मैं, मुझे बताओ मैं किस तरीके से और अच्छा डिलीवर करूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। अब आइए ज़रा अपने क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ये टॉपिक पेपर के अंदर, इसके फॉर्मुलाज तो आपको वैसे याद हो चुके होंगे, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली, आपको फॉर्मुलाज का आइडिया होगा। अच्छा, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में एनईडी का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, अभी नस के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, टेंशन ना लो, बट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर वही क्वेश्चन है। अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या है डेरिवेटिव लो किसके रिस्पेक्ट से, इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लो। सही बात है, कोई मसले की बात नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स बाय कॉस वाई, सही है, इज इक्वल टू का साइन होगा। हमें कह रहे भाई कॉस स्क्वायर अंडर रूट 3x के ऊपर डेरिवेटिव लेके बताओ, सही है, कोई मसले की बात नहीं, अभी ले लेते हैं, मगर मैं ये दो बातें याद रख लेना। मैं पहले दो बातें क्लियर करना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं दो बातें क्लियर करना चाहूँगा, वो बातें क्या हैं। मैं इस क्वेश्चन को, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिसमें बच्चा फंसता है। देखो, मेजॉरिटी बच्चा समझता है कि कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों शायद एक ही चीज़ें, या फिर उसको एक कभी कंसीडर कर लेता है, भाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से कि बेटा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है, एक के अंदर बेस पे स्क्वायर है और एक के अंदर फंक्शन पे स्क्वायर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए सॉल्व करके पहले चेक कर लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन को लात मारो, क्वेश्चन को दफा करो थोड़ी देर के लिए, जरा क्वेश्चन पहले चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर कभी आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए और कभी अगर आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर आ जाए, दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, आओ देखो। अगर कभी आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये बेस पे, ये बेस के ऊपर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो आप यहां पर क्या करोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले लिख दी जाएगी बेस, उसमें पावर में से एक माइनस और देन बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, क्लियर है। यानी कि आगे चलो, आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस एक्स और फिर जो बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, क्लियर है। आगे बात खत्म नहीं हुई, बात आगे भी बढ़ती है, फिर आगे आप करोगे फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो क्या करोगे, पहले पावर फॉर्मूला यूज करते हुए
टू पावर में से एक माइनस बेस क्या है कॉस एक्स कॉस का डेरिवेटिव। फिर जब बेस का डेरिवेटिव लोगे तो बेस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, बात अभी भी खत्म नहीं होती। और फिर एंगल का डेरिवेटिव लोगे और अगर आपके पास सिंपल कॉस एक्स स्क्वायर आया होगा तो ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसको अप्लाई कर दोगे, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और देन डेरिवेटिव किसके ऊपर फंक्शन के ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लोगे आप, तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट विल बी टू एक्स। सही है भाई, सही है, इस तरीके से करते हैं। अब ये दो चीज़ें मैंने पढ़ा दी, अब जरा आ जाओ दोबारा मेन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छा अब जरा वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आए थे, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा ये रहा कॉस स्क्वायर अंडर रूट थ्री एक्स। स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, स्क्वायर बेस के ऊपर आ रहा है बेटा, कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आ रहा है तो स्क्वायर पहले लिखा जाएगा और देन पावर में से एक माइनस और देन एज इट इज़ पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दिया आपने। फिर क्या करोगे, पावर फॉर्मूला फर्दर कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर को पहले लिख देना है पावर में से एक माइनस कर देना है, यानी कि टू माइनस वन पावर में से एक माइनस कर देना है, और फिर डेरिवेटिव लेना है। किसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, मेरे मुंह पे लेना है या इस फंक्शन पे लेना है, पूरे के पूरे बेस के ऊपर डेरिवेटिव लेते थे आप, तो बेस के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे। बेस क्या है कॉस रूट थ्री एक्स। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी भी कंटिन्यू है हमारी, एक बार इसको लिखो जरा उतारा एज इट इज। अब डेरिवेटिव लेना है बेस के ऊपर, बेस क्या है कॉस रूट थ्री एक्स, कॉस रूट थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन रूट थ्री एक्स। बात खत्म हो गई, नहीं बात खत्म नहीं हुई, डेरिवेटिव तो ले लिया मगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला फर्दर आगे चलता है और डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो अप्लाई कर दिया तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फंक्शन क्या है रूट थ्री एक्स, तो उसका भी डेरिवेटिव लोगे आप सिमिलरली, रूट थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रूट थ्री कॉन्स्टेंट पहले लिखा जाएगा और डेरिवेटिव एक्स के ऊपर ले लोगे, तो जो आंसर बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा टू कॉस रूट थ्री एक्स माइनस साइन पहले लिख लो इंटू साइन रूट थ्री एक्स, और ये रूट थ्री सिंपल रूट थ्री, ये रूट थ्री पहले लिख दो। अब चेक कर लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई नो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन आ गया, मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन एनईटी के पास पेपर से ये निकाला था और एक पास पेपर से ये क्वेश्चन निकाला था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फंक्शन का क्यूब, फंक्शन का क्यूब है तो कोई टेंशन लेने की नीड थोड़ी है भाई, फंक्शन का कह रहा है क्या करोगे साइन एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पॉजिटिव कॉस एक्स क्यूब, और बात खत्म नहीं होती, बात जाती है डेरिवेटिव किसका फंक्शन का, मेरे मुंह का नहीं होगा जाहिर सी बात है किसका होगा फंक्शन का, फंक्शन क्या एंगल, एंगल क्या है कॉस एक्स क्यूब, तो उसका ले लेंगे बेटा। क्लियर है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ बेटा आपको, अगर मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ तो काइंडली कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, क्लियर है भाई। अच्छा अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट साइन इंटू कॉस एक्स, क्या कह रहे हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट साइन इंटू कॉस। इस टाइप के क्वेश्चन नस्ट के पेपर के अंदर एनईटी के पेपर में बेटा बहुत बार आते हैं, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा नीचे वाले को मत देखो, मैथ्स स्पेशल है मेरा, वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे भी। क्या कह रहे हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट साइन इंटू कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहला काम डेरिवेटिव जो टेंजेंट के ऊपर होगा, अभी इसके एंगल को भूल जाओ, इसके फंक्शन को भूल जाओ, अभी सब चीजें भूल जाओ, अभी सिर्फ क्या याद रखो टेंजेंट को। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर, सेक स्क्वायर, अभी मैंने बताया। तो क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, सेक स्क्वायर, और आगे क्या होता है फंक्शन, ये पूरा का पूरा इसका फंक्शन है, तो इसको एज इट इज लिख दो साइन इंटू कॉस एक्स, लिख दिया आपने, वेरी गुड, मुझे उम्मीद है लिख दिया होगा। अब आगे चलो, आगे बात कंप्लीट नहीं होती, फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x और देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। अभी हमने खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करा, अभी डेरिवेटिव लेना बाकी है किसका फंक्शन का, तो जरा आओ फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है साइन इंटू कॉस एक्स, यानी कि एंगल जो है। अगर आप जरा गौर से मेरी बात को देख रहे होगे तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि साइन का भी एक डेरिवेटिव है, साइन का भी अपना फंक्शन है वो कॉस है, यानी कि टेंजेंट का फंक्शन है साइन, साइन का फंक्शन है कॉस और देन कॉस का फंक्शन है एक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करा हम लोगों ने सिंपल टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करा, सेक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। अब जरा अभी सॉल्व करा, अभी तो कर रहे हैं भाई, अभी तो स्टार्ट किया है, साइन सेक्स स्क्वायर साइन इंटू कॉस एक्स एज इट इज जीरो, सही है भाई। आगे चलो, अब डेरिवेटिव जब साइन इंटू कॉस एक्स पे अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव साइन एक्स पे पहले अप्लाई होगा, किसके ऊपर साइन का, क्योंकि कॉस एक्स तो साइन का फंक्शन है, कॉस का एंगल साइन का एंगल है, तो पहले साइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होगा, तो साइन का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, आई नो कॉस एक्स होता है मगर एंगल क्या है कॉस,
अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। और बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, बात हमारी खत्म नहीं हुई, एंगल का एक और डेरिवेटिव रहता है जो कि कॉस एक्स होगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सेक्स स्क्वायर साइन इंटू कॉस एक्स, साइन इंटू कॉस एक्स, और अब दो बार ले लिया, बिल्कुल ले लिया, कॉस इंटू कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, कॉस एक्स के ऊपर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, मुझे उम्मीद है आप जवाब दोगे, सर माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अब क्या कर दोगे, उसको अरेंज करके एक बार लिख दो, माइनस साइन एक्स को पहले लिख दो अगर लिखना चाह रहे हो तो, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस एक्स नहीं, कॉस इंटू कॉस एक्स, आगे क्या है, sec स्क्वायर साइन इंटू कॉस। क्लियर है क्वेश्चन बेटा, पूरा दोबारा से क्वेश्चन पूरा सुन लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं, एप्टीट्यूड के अंदर। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, उसके एंगल में एक और एंगल फंक्शन, उसके एंगल में एक और फंक्शन, उसके एंगल में एक और फंक्शन, इस टाइप से सो लंबी चेन। यहां पे उसने दो फंक्शन दिए खाली टेंजेंट के अंदर, कहता है टेंजेंट का एंगल है साइन, साइन का एंगल है कॉस, कॉस का एंगल है एक्स। अब सॉल्व करो, हमने सिंपल तरीके से टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या होता है sec स्क्वायर और जो भी एंगल के साथ लिख दिया। बात कंप्लीट नहीं होती क्योंकि बात आगे बढ़ती है और डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होता है, डेरिवेटिव क्या, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो एक बात कहता है, वो बात कहता है कि पहले टेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद डेरिवेटिव ले लो एंगल के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। ले लिया, फंक्शन क्या था, साइन इंटू कॉस, तो sec स्क्वायर को एज इट इज नीचे उतारा ऊपर वाले। अब जब डेरिवेटिव लिया साइन का, तो साइन का एक अपना एंगल भी आ रहा था, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स था, और उसके साथ उसका एंगल लिख दिया जो कि कॉस एक्स है। और बात खत्म नहीं हुई क्योंकि बात अब फिर फंक्शन के एंगल के ऊपर भी गई, तो एंगल क्या था, कॉस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव लिया। अब sec स्क्वायर को एलरेडी अगेन नीचे उतारा, और कॉस इंटू कॉस एक्स को भी नीचे अगेन उतारा, और डेरिवेटिव जो कॉस एक्स का लोगे तो माइनस साइन एक्स बनेगा, अरेंज करके लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले, अपने मैथफ्लिक्स स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले, जरा एक और क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस 3 ओवर x, क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस 3 ओवर x, मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है cos 3 इनटू x। देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, cos का फॉर्मूला अप्लाई है, cos का डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है बेटा cos का डेरिवेटिव फॉर्मूला, सिंपल सा होता है भाई, क्या सिंपल सा, माइनस का साइन, जो भी एंगल है एज इट इज लिख दिया आपने फंक्शन एक बार, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, जो एंगल था, क्या एंगल था, 3 ओवर एक्स था। अब दोबारा से एक बार उतार दो, माइनस का साइन 3 ओवर एक्स, और डेरिवेटिव जब 3 अपॉन एक्स पे होगा तो ये जो 3 है ये है कांस्टेंट, ये पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, सिंपल सा डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा बेटा एक्स के ऊपर, तो 1 ओवर एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, उसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लोगे क्या होगी, एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस वन करके आ जाएगा, माइनस आएगा खाली, सही है ना, सॉल्व हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ जरा मैथफ्लिक्स स्पेशल के ऊपर, ये दो वो क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपर के अंदर है, तभी मैंने इनका नाम रखा क्या, मैथफ्लिक्स स्पेशल, इनको करेंगे भी हम जरा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये मैथफ्लिक्स स्पेशल जब पढ़ रहे हो तो भाई मैथफ्लिक्स को सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को लिंक्स दो। मेरी तरफ से एक बात होगी यार, जब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, मेरी बात कन्वे मैं कर पा रहा हूँ, अच्छा समझ रहे हो, तो दूसरों को भी पहुँचाओ। तालीम वो नहीं है कि एक तालीम, इंसान तालीम अपने दिल में रख के बैठा रहे, मैं भी चाहूँ तो अपने घर में अपनी तालीम में रख के बैठा रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं वो तालीम तुम लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तुम लोगों को आगे फ़र्क है, उसको आगे तक पहुँचाओ, उस तालीम को लोगों तक पहुँचाओ, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी तालीम दूसरे तक पहुँचाने का, अगर मैंने हदीस ना सुनी होती, इस हदीस का मफहूम ये है कि दूसरे तक भी उस तालीम को पहुँचाना चाहिए। तो वीडियो का URL कॉपी करो, फेसबुक पेज पर डालो, एजुकेशन पोस्ट के ऊपर डालो, TNF के पेजेस के ऊपर डालो, कोई और एडमिशन सेल तुम्हें देखते हैं NID का उसके पेज पर डालो, क्यों, ताकि लोगों की भलाई हो, किसी और को पता चले वो भी आए, वो भी पढ़े, जहाँ तुमने पढ़ा, जब मैं अपना इल्म बांट रहा हूँ तो उस इल्म को आगे पहुँचाओ, क्लियर है भाई। आगे सुनो, ये अब क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बड़ा मज़े का है, NID के पेपर में, नेशनल पेपर में बहुत बार आया कि एक बड़ा सा अंडर रूट होता है, उसके अंदर साइन एक्स होता है, फिर प्लस का साइन होता है, फिर एक और अंडर रूट होता है, फिर साइन एक्स होता है, फिर एक और प्लस का साइन होता है, फिर उसके अंदर एक और अंडर रूट होता है साइन एक्स, फिर प्लस का साइन, फिर एक और अंडर रूट होगा, सॉल्व होगा, तो मतलब क्वेश्चन होगा, यानी कि एक अंडर रूट, फिर अंडर रूट साइन एक्स, फिर प्लस के साथ अंडर रूट साइन एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट साइन एक्स, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इसका एक आंसर है कॉस एक्स, एक है कॉस टू एक्स, एक साइन टू एक्स, चार ऑप्शन गिवन है, और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, बच्चा क्या करेगा, पहले ऊपर वाले अंडर रूट को रिमूव करे, फिर उसको करे, फिर उसको सो ऑन, भाई ऐसे सॉल्व नहीं होता, शॉर्टकट पढ़ना है, मेरे चैनल पे आओ, शॉर्टकट मैथफ्लिक्स पढ़ने के लिए आओ, तो शॉर्ट ट्रिक क्यों काम करेंगे हम, क्या शॉर्टकट होगा आओ देखते हैं उसे।
मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक कब पढ़नी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बड़ी मजे की शॉर्ट ट्रिक है, आओ आपको भी सिखा देता हूँ। क्यों, वो इलम तुम आगे लोगों को बांटना, लोगों को अपना इलम बांटो, अपने पास खजाना करके सड़ाओ मत उस इलम को, अपने पास सड़ा सड़ा कर दो, दिमाग में मत चढ़ाओ, आगे कन्वे करो हमेशा। क्या है कि भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक ये, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट फिर अगेन अंडर रूट फिर अंडर रूट अंडर रूट, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड सो ऑन। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, इसका डेरिवेटिव निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका फंक्शन गिवन हो ना, साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा या टेंजेंट होगा या कॉसेक होगा या सेक होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लो, क्या लो, डेरिवेटिव ले लो फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, ले लिया, उसको डिवाइड करवा दो। किससे डिवाइड करवाऊँ, अपने सर से डिवाइड करवाऊँ, नहीं, 2y-1 के साथ, 2y-1 के साथ क्यों, और तो मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ कि भाई अंडर रूट चूंकि वैल्यू 1/2 होती है और फिर बाई बाई चलता है इनफिनिटी तक, तो इसलिए आप लिखते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी इस टाइप का कभी फंक्शन आ जाए, कॉस आ जाए, कोसेक आ जाए, सेक आ जाए, टेंजेंट आ जाए, कोई कॉट आ जाए, कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट, क्या करो, सिंपल डेरिवेटिव लो ऊपर फंक्शन का, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, डिवाइड में लिख दो 2y-n। तो अब बताओ इनमें से आंसर कौन सा है, आई होप आपका आंसर ये आना चाहिए, कॉस एक्स 2y-1। क्लियर है, दिस वॉज द मैथफ्लिक्स स्पेशल क्वेश्चन जो कि एनडी और नस के पेपर में बहुत बार आ चुका है। आइए जरा एक और मैथफ्लिक्स स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं, और देन हाशिम स्ट्रिक के ऊपर जाते हैं या फिर मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, उसकी पावर में एक और रूट साइन एक्स आया हुआ है, उसकी पावर में एक और रूट साइन एक्स आया हुआ है, उसकी पावर में एक और रूट साइन एक्स आया हुआ है, ऐसा है कब तक है, इन्फिनिटी तक है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी हो सकता था, y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स पावर रूट कॉस एक्स पावर रूट कॉस एक्स पावर रूट कॉस एक्स, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है। जब कोई भी फंक्शन हो सकता है तब क्या शॉर्ट ट्रिक होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, आओ चेक कर लेते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक मेमोराइज कर लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा क्या होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत छोटी सी है, बस याद करने वाली है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, पहले लिखो अपने पास वाई स्क्वायर, सही है, फिर लिखो, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ये सिंबल किस चीज़ का होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, जो भी आपका फंक्शन गिवन हो, साइन एक्स गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव जो भी आए, और डिवाइड करवा दो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को एक चीज़ के साथ। फंक्शन को एज इट इज़ लिखो, देन आपने क्या करना है, 2-y ln function। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा टेंशन नहीं लेनी, दोबारा रिपीट करता हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स की पावर रूट साइन एक्स प्लस की पावर रूट साइन एक्स की पावर रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स, या फिर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स रूट कॉस एक्स की पावर रूट कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, इस तरह सोन चलता रहे, या रूट टेंजेंट एक्स की पावर रूट टेंजेंट एक्स की पावर रूट टेंजेंट एक्स अगेन टेंजेंट एक्स सॉल्व इनफिनिटी, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसकी शॉर्ट ट्रिक ये रही, ये मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि एक बार लिखो वाई स्क्वायर, और देन जो भी फंक्शन गिवन हो, एक ही फंक्शन गिवन होगा, साइन एक्स होगा कॉस एक्स होगा टेंजेंट होगा कॉसेक होगा सेक होगा, उसका डेरिवेटिव ले लो। उसका क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लिया, उसको डिवाइड करवा दो एज इट इज उस फंक्शन को लिखो, यानी कि साइन था तो साइन को लिखोगे, और देन 2-y ln f(x)। तो इस क्वेश्चन के केस में क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, क्या ये एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के माने जो भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स, डिवाइड के अंदर, डिवाइड के अंदर फंक्शन को एक बार लिखो, फंक्शन क्या साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, देन 2-y ln 2-y ln, मेरे पास जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ, 2-y ln सिंपल फंक्शन को एडिट लिख दो, यानी कि साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, बी आपका आंसर है करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, ये मैथ्स के दो क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, जो कि नस के पेपर में एनडी के पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर एस टाइप का क्वेश्चन होगा कि रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट आया जा रहा है, उसके लिए डेरिवेटिव फंक्शन लेते हो, डिवाइड बाई 2y-1 कर देते हो। और कभी भी अगर आपके पास पावर के अंदर एक रूट आ रहा है, फिर पावर में रूट आ रहा है, फिर पावर में रूट आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करो, इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करोगे, वाई स्क्वायर फंक्शन जो भी फंक्शन होगा, साइन एक्स उसका डेरिवेटिव, डिवाइड करवा दोगे फंक्शन को एक बार, उसको फिर 2-y ln फंक्शन के साथ, इस तरीके से कि वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, और देन डिवाइड के अंदर एफ एक्स से मीन फंक्शन एज इट इज, फंक्शन क्या है साइन, तो साइन एज इट इज आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2-y, ये 2-y फॉर्मूले का, ये वाई स्क्वायर फॉर्मूले का, और ln f(x) का, यानी कि फंक्शन एज इट इज, ln function का। क्लियर है भाई, ये हमने कर लिया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट डेरिवेटिव्स के अंदर। अच्छा बेटा, अब आते हैं अपने हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव के। पेपर में जब ये फंक्शन आते हैं बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कहते हैं पता नहीं क्या आ गया, कैसे सॉल्व होगा, एच लिखा हुआ आ गया। अरे भाई, जो उसके लिए काम हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो इसके लिए भी काम हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी सब आसान है, बाकी सब हलवे की प्लेट है भाई। कॉस एच आ रहा है तो कॉस एच की क्या हो जाएगी वैल्यू, सिंपल सी बात है, आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, साइन एच, मगर पॉजिटिव साइन एच।
हाइपरबोलिक के अंदर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता, तो इस बात का वो ख्याल रखना। ये क्वेश्चन एनडी के और नस के पास पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर देता हूँ। मेरे सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन किसी बुक का नहीं होता, किसी पर्टिकुलर नोट्स का नहीं होता, ये सारे के सारे मैं पास पेपर से अपनी थ्योरी जनरेट करता हूँ, पास पेपर से अपने क्वेश्चन मेंटेन करता हूँ, बनाता हूँ और लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। वाई इज इक्वल टू कॉस एच इंटू कॉन्स्टेंट ए एक्स स्क्वायर आ गया, क्या करोगे, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल था साइन एच एक्स, आपने क्या लिखा साइन एच और जो भी आपका एंगल था ए एक्स का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे मुझसे क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ले लो, किसके ऊपर डेरिवेटिव ले लो, सिंपल ए एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव हम लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है, वही है जो हमने डिफरेंशियल फॉर्मूले के पढ़ रहे होते थे। तो साइन एच ए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, और डेरिवेटिव जब लूंगा मैं ए एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो भाई कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, कॉन्स्टेंट पहले लिख दो, और डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो टू पहले आ जाएगा और सिंपल एक्स, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, होगा साइन एच ए एक्स स्क्वायर और टू ए एक्स, क्या होगा टू ए एक्स इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई। आगे मेरे पास देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एच टू प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एच। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं प्रॉपर करके बता रहा, सिंपल इसका आंसर देख लो, क्या आंसर हो, क्या आपके पास टर्मिनोलॉजी आएगी, जब आप हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई कर रहे होगे तो ये हो जाएगा साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन इज कॉस हाइपरबोलिक, और एंगल का 2 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। फिर जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे एंगल के ऊपर तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट 2 के ऊपर अप्लाई होगी तो 0, और जब एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी तो 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x cos h 2 प्लस एक्स। सिमिलरली टेंजेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, टेंजेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला इसके अंदर भी सेक्स स्क्वायर ही होता है, तो भाई वही फॉर्मूला होगा, तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा, और डेरिवेटिव जो एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा तो 2x हो जाएगा, और जब कांस्टेंट टर्म पे होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2x इंटू सेक्स स्क्वायर एच, sec x स्क्वायर इंटू लबला करें जो भी एंगल है मेरा x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारे होगा हाइपरबोलिक फंक्शन भी कंप्लीटेड। क्लियर है बेटा आपको, क्या मैं आपको अपना बात क्लियर कर पाया हूँ, अगर तो मैं आपको अपनी बात क्लियर कर पाया हूँ तो काइंडली मुझे बताएं और कमेंट के अंदर बताएं, फेसबुक के ऊपर शेयर करें मेरे पेज को, मुझे बताएं मैं किस तरीके से अपनी वीडियोज़ को और अच्छा बना सकता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब कराएं और लोगों से शेयर करवाएं, थैंक यू सो मच। अच्छा तो बेटा अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस आ गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अगेन। अगर आपने मेरे अभी तक पहली वीडियो फॉर्मूलाज वाली नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको फॉर्मूलाज सही से पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। अब पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर क्यूब, होल पावर क्यूब पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, तो काइंडली इस बात को जहन में रखा करें, सही है। तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब होल पावर आ रही है तो पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पहले पावर फॉर्मूला को लेगा, पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं, पावर को पहले लिख दो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, पावर में से जब एक माइनस करके आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 माइनस 1 2, बात अभी कंप्लीट नहीं होती। अब आगे कहते हैं बेस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने को, बेस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, बेस क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सॉल्व हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन, ये 3 पहले आ गया और देन साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर और डेरिवेटिव साइन एक्स पे अप्लाई होगा, साइन इनवर्स एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होता है ना भाई, चेक कर लो कौन सा आंसर है आपका, आपको आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा यहाँ पे, आई गेस ये आपको आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, सही है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करवाओ ना यार, कमेंट करो, मेंशन करो, लिंक को शेयर करो यार, लोगों के कमेंट्स के अंदर जाकर डालो, फेसबुक पेजेस पे शेयर करो। देन मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स। मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जिनमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं चाहूँ तो दूसरे टीचर्स की तरह बहुत ईजी क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, जिस तरह आपको अनीस हुसैन के अंदर, आईबी ग्रेड्स के अंदर, या आपके रिस्पेक्टिव इदारों के अंदर जहाँ पे आप एजुकेशन हासिल कर रहे होते हो वहाँ के टीचर्स करवाते हैं, बट मेरा उनमें करवाने का डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को बिना के ऊपर शायद इंशाल्लाह आप यहाँ पे आए हुए होंगे मुझसे पढ़ने के लिए, तो वही डिफरेंस ये है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्वेश्चन बड़ा मजे का लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, मगर ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व ऐसे होगा कि भाई इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ये तो सबको पता होगा, ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अच्छा बच्चे बड़ी कहानियां करते हैं इस क्वेश्चन में, सर डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाँ बेटा बिल्कुल सही, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अजीब बताना ही कहानियां, तो भाई या फिर एक और काम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, पता क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स ऊपर आके साइन एक्स बना देते हैं, वेरी गुड माशाल्लाह, तालियां होनी चाहिए बेटा आपके लिए, आपने दिल जीत लिए, सही है, साइन एक्स रॉन्ग, क्यों यार, ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर आ रहा है, सही है ना, ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर आ रहा है, तो जब साइन इनवर्स एक्स नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे तो पूरे फंक्शन ऊपर आया है, तो ऊपर पूरी टर्म के साथ माइनस वन आएगा, इसलिए बच्चा क्या करता है, बच्चा साइन इनवर्स एक्स ऊपर लेके जाएगा तो साइन एक्स बना देगा, समझेगा,
कि भाई उसने तुर्रम खान की औलाद बन गया, आइंस्टाइन उसी का बाप लगता था शायद, उसने इस तरह सॉल्व कर लिया और बड़ा खुश होगा इसके ऊपर, उसको कोई गिल्ट नहीं होगा कि उसने गलती की है। और मैथ जो मैथमेटिक्स होंगे वो अपनी कब्र में बैठे के करवटे ले रहे होंगे इसके ऊपर, तो कैसे करोगे भाई? जाहिर सी बात है, सिर्फ साइन इनवर्स ऊपर नहीं जा रहा, ये साइन इनवर्स एक्स पूरा ऊपर जा रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ पावर में माइनस वन आएगा, तो ये बात याद रख लेना बेटा आप लोग। अब आओ जरा सॉल्व करते हैं इसको, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें सॉल्व करने वाला, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, पावर आ रही है, पावर पहले लिख दोगे माइनस वन, पावर में से एक माइनस कर दो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की पावर में से एक माइनस कर दो, माइनस वन माइनस का वन माइनस टू हो गया। और डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसके ऊपर मेरी जान? ये अप्लाई करना है सिंपल सा आपको साइन इनवर्स एक्स के ऊपर, तो साइन इनवर्स एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। मुझे पता है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बट मैंने तभी मुंह से बर्बली बता दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा? माइनस वन, देन साइन इनवर्स एक्स की पावर माइनस का टू, और डेरिवेटिव जो साइन इनवर्स एक्स पे अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का क्या होता है भैया? ये होता है आपके पास अल्लाह भला करे वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो कौन सा आपका आंसर है। आई होप आपका आंसर ये होगा विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अभी लिखा हुआ नहीं था, सो लिख लेना अपने पास। क्लियर है? क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। मुझे अपने स्किल्स के ऊपर पूरा एतबार है, मुझे अपने बच्चे के ऊपर पूरा एतबार है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है वो इंशाल्लाह क्लियर करेगा अपना टेस्ट। अब जिस भी हार्ड फेज से अपनी ज़िंदगी गुजर रहे हो तो ये बात याद रख लेना, कभी ना कभी राहत ज़रूर है। तो अगर अपनी मेहनत से पढ़ रहे हो तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपको कामयाबी उस वक्त ना मिल सके और आपको लगे कि आप एनईटी का टेस्ट आपने फेल कर दिया, जो कि अभी 16 तारीख को हो रहा है, या आपको लगे कि आपने नस का टेस्ट फेल कर दिया, या आपको लगे कि आपका फास्ट का टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, या आपको लगे कि आपका किसी और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो ये एक बार याद रख लेना, तुम्हारा जो उस्ताद है, तुम्हें जो पढ़ा रहे ना, उसने भी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ लॉस किया है। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ लॉस किया, मगर फिर भी आज यहाँ पर बैठा हूँ, फिर भी आज लोगों को इल्म दे रहा हूँ, फिर भी आज कहीं ना कहीं अचीव करके बैठा हूँ, कि फिर भी आज कहीं चलता हूँ तो लोग इज्जत करते हैं। तो भाई देखो, ज़िंदगी में हर एक कोई लॉस करता है। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम उस चीज़ को उस वक्त अचीव ना कर पाओ जिस वक्त तुम्हें लगता था अगर तुमने अचीव नहीं करी तो मर जाओगे और तुम खुदकुशी कर लोगे एंड सो ऑन, तुम्हारा एनईटी का टेस्ट फेल हो जाता है, तुम्हारा फास्ट का टेस्ट फेल हो जाता है, तुम्हारा नस का टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है भाई, ज़िंदगी में सब होता है, चलता है। कॉन्फिडेंस रखना मेन चीज़ है आपको, क्या रखना जरूरी है? कॉन्फिडेंस, ये चीज़ मैटर करती है आपके पास। आपको अपने पेपर में कॉन्फिडेंस यूज़ नहीं करना, आपको ये नहीं समझना कि यार टेस्ट अगर ख़राब हो गया तो बिल्कुल ही मैं ज़ाया हो जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया चलती रहती है, कहीं ना कहीं तुम पहुंच जाओगे, बस उस रब पे यकीन रखो जो रब तुम्हें यहाँ तक लेकर आया, उस पे इतना यकीन रखो कि तुम्हें आगे भी कहीं लेकर जाएगा इंशाल्लाह। सही है भाई, अब आते हैं ज़रा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन ये आ रहा है इनवर्स का, इनवर्स का तीन चार खाली लास्ट क्वेश्चन बचे, फिर अपनी वीडियो को माइंड अप करेंगे, देन फिर पार्ट नंबर फोर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। क्या कह रहा है? वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, देन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ। भाई अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये इंटर के 4.2 या 4.3 के किसी उसका क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया था, और ये बाद में एनडी के और नस के पेपर के अंदर मुझे दिखा, तो उसने मुझे अच्छा लगा हमेशा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डेरिवेटिव अप्लाई करो। देखो पहली चीज़ तो ये कि इसके साथ क्या आया है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म पहले लिख दिया आपने, कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी, साइन इनवर्स के ऊपर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स के लिए? फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला इसलिए लिख दूँगा थोड़ी देर में वो गश पढ़ने वाला है। फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव देन फंक्शन के ऊपर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये एक्स अपॉन है, पूरा फंक्शन है मेरा बेटा पूरा फंक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर, जो कि एक्स अपॉन ए होगा। मैंने पहले ही कहा था गश पढ़ने वाला है, क्यों गश पढ़ने वाला है, अब जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। साइन वर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा बेटा फंक्शन है, एक्स भी फंक्शन है, ए भी फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फंक्शन का स्क्वायर हुआ, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ए के ऊपर भी स्क्वायर होगा, डेरिवेटिव फंक्शन का फिर अगेन। अच्छा, एक एज इट इज रहा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नीचे एलसीएम कंप्लीट करना तो मैं क्या करूँ, एलसीएम कंप्लीट कर लूँ सिंपल, तो नीचे एलसीएम कंप्लीट करने क्या करूँगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ए स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और ए वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंपल मैंने एलसीएम लिया है, और डेरिवेटिव एक्स अपॉन ए के ऊपर जब अप्लाई होगा तो भाई वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, तो पहले लिख लेंगे, और डेरिवेटिव सिंपल एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये क्या टर्म हो रही है, एक टर्म डिवाइड हो रही है, उसके नीचे एक और टर्म डिवाइड हो रही है, ऐसा कभी भी होता है तो हम नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मैं नेक्स्ट पेज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर बिछड़ ना हो, ताकि आप इजीली समझ सकें मेरी बात को। यहाँ तक तो समझ में आया बताना, चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ क्या है। a इंटू वन ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया बेसिकली ये, इंटू ए स्क्वायर और वन अपॉन ए, ये अब आपके पास चीज़ बन गई। डेरिवेटिव ले लिया, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट था तो उसको बाहर निकाल दिया, और एक्स पर डेरिवेटिव होगा जीरो, वन हो जाएगा वो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ ए स्क्वायर को बाहर निकालना, ए स्क्वायर अभी क्या है रूट के अंदर, जो ए स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो कैसे आएगा, ऑब्वियसली अपना स्क्वायर खत्म करवा के आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे ए इंटू वन अपॉन ए, इस ए से ये वाला ए कैंसिल आउट, और ये जो ए है डिवाइड हुआ इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ,
तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, साइन इनवर्स का फंक्शन खाली गिवन था एक्स अपॉन ए, और पहले ए था, ए हमने पहले लिख दिया कांस्टेंट आ रहा था, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया साइन इनवर्स एक्स के ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और डेरिवेटिव देन फंक्शन के ऊपर। अब चूंकि एलसीएम लेना था मुझे सॉल्व करने के लिए, एलसीएम लेना था, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए सिंपल एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो एज अ ए फॉर्म के अंदर बाहर निकला, और बाहर निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अगर किसी को ऊपर शिफ्ट करना समझ में नहीं आया, ऑल्दो समझ में आ गया होगा, सारे के सारे माशाल्लाह से इंटर के स्टूडेंट्स हो, मगर नहीं पाया तो फिर बता देता हूँ। कभी भी चार डिजिट्स डिवाइड हो रहे हो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो आप क्या करते हो, आप इनको जो दो डिजिट होते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं, मगर नीचे के दो जो होते हैं ये अपने आपको टोटली इन्वर्स कर देते हैं। ये वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाती है और दूसरी वाली टर्म नीचे आ जाती है, तो सेम काम हमने यहाँ पर करा, ये तीन चीज़ें डिवाइड हो रही थी, वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ ज़रा पहले इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एल एन एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको मेरे स्टूडेंट अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, और ये एनईडी और नस दोनों के पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एल एन एक्स। बच्चा कहता है सर कैलकुलेटर में कैसे डालूं, डेरिवेटिव कैसे लूं मैं साइन एल एन एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू भी देता है जानबूझ, एग्जामिनर जानबूझ एक्स की वैल्यू 2 दे देगा, अब बोलेगा सॉल्व करो। अब बच्चा सर कैसे सॉल्व होगा, सर क्या होगा, कैलकुलेटर में सिंटैक्स एरर आ रहा है। अबे अकल के अंधों, मुझे पहले एक बात बताओ, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होता है, ख़त्म, जीरो। यानी कभी भी किसी पॉजिटिव टर्म को उसकी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो क्या होता है, ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं आप अगर आप अगर आप 1 को 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ किसके साथ, 1/2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा, यानी कि ख़त्म हो गई, कैंसिल आउट हो गई वो। तो साइन और साइन इनवर्स क्या चीज़ है भाई, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और अगर मैं उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊं तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, यही होता है ना साइन। अगर मैं साइन को इक्वल टू के दूसरे ले जाऊं साइन इनवर्स बन जाएगा, तो भाई साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट चीज़ होती है, इनवर्स है एक दूसरे के, तो साइन और साइन इनवर्स वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपल आंसर क्या होगा, एल एन एक्स। सिंपल आंसर क्या होगा, एल एन एक्स। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है साइन इनवर्स इंटू साइन इंटू एल एन एक्स, तो भाई साइन इनवर्स ने साइन कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये इनवर्स टर्म है, ये साइन इनवर्स से मुराद क्या है, नेगेटिव, उसकी अपोजिट टर्म है साइन की, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल चीज़ क्या बचेगी, साइन का एंगल दैट इज एल एन एक्स। क्लियर है क्वेश्चन, मुझे बताओ इससे आसान तरीके में कोई टीचर समझा सकता है, नहीं समझा सकता, तो भाई शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, और लोगों को बताओ किससे समझा तुमने। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। यार मुझे करवाना तो नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट चलो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, इसने आपको देन एक्स की वैल्यू भी दी हुई, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू जो भी आपको डेरिवेटिव पहले अप्लाई करना है, वाई डैश इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या होते हैं, पहले आप डेरिवेटिव अप्लाई करो, डेरिवेटिव अप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा उसके अंदर एक्स जहाँ जहाँ वेरिएबल जहाँ जाऊँगा वहाँ पर बन डाल दोगे, या जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स के ऊपर। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन के यहाँ पे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन बच्चा गलती करता है, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर लिख देगा, भाई ये फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन का स्क्वायर क्या, कॉस के ऊपर आएगा, एंगल उसके एंगल पे थोड़ी आएगा। और बात खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है और कहती है कि भाई साइन इनवर्स के एंगल के ऊपर भी स्क्वायर लोगे आप, यानी कि फंक्शन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के ऊपर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव जो कॉस एक्स पे ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और आगे आप जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ मन डाल के वैल्यूज निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, मुझे आप पे यकीन है, और आप सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है डेरिवेटिव्स का। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया कुछ भी, तो काइंडली मुझे बताएं, कमेंट करें, मेंशन करें, पर्सनली अप्रोच करें, ईमेल करें, मेरे पेज पे जाके मुझे रेटिंग करें, थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगा, कैसे समझ में आया, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। देखो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट हमेशा बूस्टअप करते हैं, इंसान को पता चलता है कि भाई उसने क्या किया है, क्या अचीव नहीं किया उसने, तो काइंडली मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं। मेरी बोलते बोलते हर बार टायर्ड हो चुकी हूँ, चौथी वीडियो मैं आज दिन की बना रहा हूँ, इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियोज़ बहुत जल्द एनडी के टेस्ट से पहले इंशाल्लाह अपलोड करूँगा मैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेक्स। आई होप कि आप तमाम के तमाम लोग एनडी में जा सकेंगे, कामयाब होंगे, इंशाल्लाह आपसे एनडी के अंदर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे ज़िंदगी के अंदर ज़रूर मुलाकात होगी, एनडी के अंदर मुलाकात होगी, हंसते मुस्कुराते मुलाकात होगी, नस के अंदर मुलाकात होगी आपसे, जहाँ भी आप जिस इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, मैं दुआ करता हूँ आप उस इंस्टीट्यूट के क्लियर कर सकें टेस्ट को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।